मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर पत्र भेजा। इस पत्र में हेमंत सोरेन से अब तक पूछताछ के लिए नहीं आने का कारण पूछा गया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी तक इस पत्र का जवाब देने के साथ हाजिर होने को भी कहा है। इसे लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है, तो वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को कितना भी परेशान कर लिया जाए, सफलता नहीं मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। नहीं थम रहा ईडी के समन का सिलसिला। सीएम को पत्र लिखकर फिर मांगा जवाब। क्यों हाजिर नहीं हो रहे सरकार? प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और पूछा है कि 7 समन देने के बाद भी वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हुए। ईडी ने मुख्यमंत्री को 16 से 20 जनवरी के बीच पत्र का जवाब देने के साथ ही हाजिर होने को भी कहा है। मुख्यमंत्री को भेजे गए इस पत्र को ईडी के 8वें समन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस पूरे मामले में चुटकी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आपके पाप के लिए 4 था और झारखंड के मुख्यमंत्री की डकैती के लिए 8वां समन कोई मायने नहीं रखता। केजरीवाल जी तो हल्ला मचा रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री तो चुपचाप रजाई में घुसकर जाड़ा काट रहे हैं। कम से कम शिबू सोरेन जी की इज्जत तो रखिए, इस्तीफा दीजिए और एजेंसियों के प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, वो समन का कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने कारनामा किया है, जिस तरह से प्रदेश को लूटा है, जितने करप्शन किए हैं, ये किसी तरह से भी बच नहीं पाए। समन को इग्नोर करना मतलब कोई भी तो अंत होगा। निशिकांत दुबे के ट्वीट ने एक बार फिर झारखंड में भूचाल मचा दिया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया। ये सारा कुछ पूरी तरह से कहें तो एक प्लांटेड, पूरी तरह से हर चीज को एक पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है कि कैसे कैसे सरकार को, क्योंकि ये विकास के मामले पर बाकी मामले में बात नहीं कर सकते। 15 साल इन्होंने, 16 साल इन्होंने इस राज्य को चलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज्य को पीछे की ओर धकेलते गए, तो इस विकास के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर तो ये कोई बात नहीं कर सकते। आपको बता दें कि ईडी इससे पहले मुख्यमंत्री को 7 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हर बार इसे अनुचित करार दिया है। मुख्यमंत्री इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, साथ ही पिछले दिनों गठबंधन के विधायकों की बैठक भी बुला चुके हैं, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी सरकार हर हाल में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ऐसे में ईडी के इस नए समन पर उनका क्या रुख होगा, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।